अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह भारत, भारतवासियों पर, दुनिया वालों पर अमन सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे। 130 मूर्तियां 15 करोड़ के पीएम मोदी इनॉग्रेट करे थे उज्जैन मध्य प्रदेश में, महाकाल की मूर्ति भी थी उसमें। और हुआ क्या, एक ही बारिश और एक ही चमक के साथ बिजली गिरी और मूर्तियां साफ तुटके बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जिन जेसीबी और बुलडोजरों से घरों को तोड़ा गया था मध्य प्रदेश में, और वो जो बाबा बोल रहा था हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, कब्बे कैसी आवाज निकालने वाला, उन्हें भी वो चिल्ला रहा था, वही जेसीबी और बुलडोजरों से महाकाल के मूर्तियों को उठा के फेंकना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं, कमजोर की इबादत क्यों करते भाई। एक रब जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, हर चीज का मालिक और इलाह है, जो बारिशें भेजता, बिजलियां गिरा सकता, उस रब की इबादत क्यों नहीं। आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। लिंगम, योनि, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, मुर्दे, ताके, तावीजा, गंडे, पलितों की पूजा से बर्बादी है। कुरान हदीस का हुक्म, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ का हुक्म, हाथ से बनाते उसकी पूजा करते, उन्हें कयामत तक दुआ का जवाब नहीं दे सकता, सुन नहीं सकता, मक्खी पैदा नहीं कर रहा हो कोई ये मूर्ति, और मक्खी कोई चीज छीन के लेके तो वापस नहीं ले सकता, इतना कमजोर। मांगने वाले भी कमजोर, जिससे मांग रहे वो भी कमजोर। आओ खुदरत वाले, ताकत वाले इलाह, रब, रज़ाक, गनी अल्लाह से मांगो, और देखो दुनिया भी बनेंगी, आखिरत भी बनेंगी। अल्लाह ही की इबादत से कामयाबी, मखलूक की पूजा से नर। इस्लाम लाओ कामयाब हो।